Good afternoon everyone, sorry for being late. Actually हम मार्कर आज कहीं पे हमने खो दिया है. It was difficult to find the marker, लेकिन कोई बात नहीं है, हम अपने वर्क की शुरुआत करते हैं बच्चों. और सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं, मोहिनी, रीना, रूबी, राधा, अर्चना, ऑल राइट, सभी आ चुके हैं, कंचन, राखी, तलत, जया. तो शुरू करते हैं. ये बच्चों हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि ही बोट अ ड्रेस एज वेल एज अ वॉच, है ना. यहाँ पे एज वेल एज हमें देखना था, जो हमने देखा था कि इट इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन. जी दिव्या, ऑल राइट, छवि, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून. तो बच्चों मैं आज लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन हम क्वेश्चन जरूर कर लेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वर्क की. सबसे पहले हम पॉइंटर ले लेते हैं अपना. एंड नाउ लेट अस टेक द क्वेश्चन. तो ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन 31. ये कहता है कि अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड. तो ये एक्सप्रेसेस है बेसिकली. तो आपको इसमें बताना है आंसर हमारा क्या बनेगा. एग्जैक्टली बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है ये आपका. यस बच्चों, तो हमारा आंसर यहाँ पे इंटरजेक्शन होगा. एग्जैक्टली तो आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा ए. दिस मस्ट बी द आंसर. आंसर ए बनेगा. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, मतलब समथिंग जो किसी वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करे, वो हमारा क्या बनेगा. एडजेक्टिव बनेगा, एडवर्ब बनेगा, कंजंक्शन या फिर इंटरजेक्शन. आंसर कीजिए बच्चों. अच्छा आप क्लियर है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. एडवर्ब. एग्जैक्टली बच्चों, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर जा रहा है. ये हमारा एडवर्ब बनेगा. ठीक है जी, तो आंसर हमारा बी बनेगा. दैट विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. और देखो यहाँ पे सिर्फ वर्ब लिखा है, ये वर्ब ही नहीं है बल्कि किस किस में ऐड करता है. वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनोदर एडवर्ब. गेटिंग एवरीवन. तो एडवर्ब वो है जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, उसकी मीनिंग में कुछ ऐड करे. अगले क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे. क्वेश्चन 33 क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है कि विच सेंटेंस बिलो हैज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स. अब देखो जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, इसमें दिया है SVOC. क्या दिया है बच्चों, SVOC, है ना, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट. तो बताओ किस में ऐसा बन रहा है. सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, देन कॉम्प्लीमेंट है. बी आंसर. एग्जैक्टली देखो, पुलिस चेज द थीप ऑल आफ्टरनून बन सकता है. ए को अगर हम देखें, द नो वन कैन कंसीडर हर प्रेटी. नो वन कैन कंसीडर हर प्रेटी. The police chased the thief. The police chased the thief all afternoon. Have they? अच्छा ठीक है, वर्ब पहले आगे. I need at least. अगर हम इसमें बच्चों देखें तो बी आंसर बनेगा. एग्जैक्टली, पुलिस चेज द थीप ऑल आफ्टरनून. करेक्ट बात है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी बन जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, तो बताओ इसमें क्या बनेगा। द बॉयज यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग वर्ब है और फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो क्या होना चाहिए जी शैली? ऑल राइट दिव्या, एसवीओ एग्जैक्टली आंसर हमारा 1 बनेगा, ए बनेगा। तो आंसर हमारा यहां पे ए हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पैटर्न। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें एस यानी सब्जेक्ट है, देन वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट है। तो आप इन तीनों में से देख के बताओ, चारों ऑप्शंस में से कि कौन सा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को यानी कि एसवीओ को फॉलो कर रहा है। ओके, आंसर इसमें ए जा रहे हैं, डी जा रहा है, ए और सी डिफरेंट डिफरेंट आंसर। बी भी है पूजा, ठीक है यास्मिन, बी। बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं पहले वाले को कहूं कि ही इंसिस्टेड ऑन माई, तो देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस आगे जाके जो ऑन माई रीडिंग है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकंड वाले में एडमिटेड हिज मिस्टेक, बी बिल्कुल ठीक बन रहा है 35 का, है ना। सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है और हिज मिस्टेक यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। रीडिंग फ्रेंच इज इजियर देन, कंपैरिजन हो रही है, बात बदल गई, देयर इज नो पॉइंट इन, अलग से बात हो रही है। तो आंसर हमारा यहाँ पे 100% बी बनेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, दैट वुड बी बी। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ऑल द वुमेन लव ज्वेलरी एंड सिल्क साड़ीज, तो बताओ इसमें क्या बनेगा। ऑल द वुमेन यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, लव यहाँ पे वर्ब बनेगी, ज्वेलरी एंड सिल्क साड़ीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, बाकी कुछ है ही नहीं। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतने से ही आप एग्जैक्टली बच्चों बहुत अच्छे। तो आंसर हमारे यहाँ पे बी बन जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जरा अगले क्वेश्चन में, द ओल्ड लेडी कीप्स हर क्लॉथ्स इन अ कप बोर्ड। तो ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पैटर्न इन दिस सेंटेंस। भाई अगर हम ओल्ड लेडी देखें सब्जेक्ट बनेगा, कीप्स यहाँ पे वर्ब बनेगी, है ना। हर क्लोथ्स क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर लिखा इन अ कपबोर्ड, ये एडवर्ब है। अगर हम इन कपबोर्ड की बात करेंगे, इन अ कपबोर्ड, तो वो किसका आंसर दे रहा है, वेयर का। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बच्चों ये सी आप बता रहे हैं, रूबी राखी, ए बन जाएगा ना बच्चों। दो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, मतलब हर क्लोथ्स इन अ कपबोर्ड ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि लास्ट वाला जो इन अ कपबोर्ड वो बच्चों कैसा फंक्शन करेगा, एक एडवर्ब का। तो आंसर हमारा ए बनेगा। एम आई राइट और नॉट? बाकी आपको मैंने बता रखे कि एडवर्ब को हम कैसे कैसे निकालते हैं। आंसर यहाँ पे 1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे सब बच्चे। चिल्ड्रन अनविलिंग टू लर्न, तो ये कहता है यहाँ पे हेडवर्ड क्या है। अब बच्चों अगर यहाँ पे मैं कहूँ हेडवर्ड, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख नहीं पाऊंगा इसको भी, हेडवर्ड कह लो या फिर आप इसे कह लो लेक्सिकल वर्ड या आप इसे कंटेंट वर्ड कह लो या आप इसे ओपन क्लास वर्ड कह लो। देखिए कितने वर्ड्स मैं बोल रहा हूं, हेडवर्ड, लेक्सिकल वर्ड, कंटेंट वर्ड या फिर ओपन क्लास वर्ड, ये सारे एक जैसे होते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके चारों तरफ सेंटेंस का पूरा मीनिंग घूमे या जिसके बिना हमें मीनिंग कंप्लीट ही ना हो, वो बच्चों वहाँ पे हेडवर्ड होता है। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो ये आंसर हमारा चिल्ड्रन बनेगा। बहुत अच्छे, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर ऑलरेडी कर दिया है जी। कंचन, शैली, कीर्ति, अर्चना, रूबी, बहुत अच्छे बच्चों। तो ये हमारा आंसर चिल्ड्रन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंस। अच्छा इसमें लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहते हैं अंडरलाइंड पोर्शन इन द अबव फ्रेज इज, ये क्या है लिखा है, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। क्वालिफायर ऑफ एन एडजेक्टिव, पोस्ट मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर या बच्चों हेडवर्ड है। आप खुद बताइए, सब्जेक्ट हुआ हेडवर्ड, नहीं सब्जेक्ट को हेडवर्ड नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है हेडवर्ड। मतलब वर्ड ऐसा होना चाहिए जिसके बिना उस सेंटेंस का मीनिंग ही क्लियर ना हो, वही हेडवर्ड बनता है, जो सबसे बड़ा वेटेज रखता हो सेंटेंस में, ऐसे हम उसे डिफाइन करेंगे। तो बच्चों बताओ यहाँ पे लिखा है उसने मोस्ट इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन किया है, क्वालिफायर ऑफ एन एडजेक्टिव। बिल्कुल देखो पोस्ट मॉडिफायर नहीं है, प्री मॉडिफायर नहीं है, 100% ये आंसर बनेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिफायर ऑफ एन एडजेक्टिव। इंपोर्टेंट एडजेक्टिव है, मोस्ट ने उसको मॉडिफाई किया है और इंपोर्टेंट किसको कर रहे हैं, डिस्कवरीज को। तो आंसर हमारा ए जाएगा। आंसर हमारा बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे ए बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, द लेडी इन अ ब्लैक ड्रेस। तो बताओ पोस्ट मॉडिफायर इन द अबव फ्रेज इज, तो हम इसमें पोस्ट मॉडिफायर किसको कहेंगे। ऑल राइट बच्चों बताओ जरा पोस्ट मॉडिफायर इसमें क्या बनेगा हमारा, व्हाट शुड बी द पोस्ट मॉडिफायर। ओके वेरी गुड, करेक्ट आंसर कर रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको पोस्ट मॉडिफायर को बताना है यहाँ पे। वेरी गुड बिल्कुल सही बच्चों, करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पे। देखो अगर हम इसका आंसर देखें, इन ए ब्लैक ड्रेस, बिल्कुल ठीक है। इन ए ब्लैक ड्रेस क्या है ये बच्चों, पोस्ट मॉडिफायर का फंक्शन कर रहा है। द लेडी इन अ ब्लैक ड्रेस, जब हम कहते हैं इन अ ब्लैक ड्रेस, ये ब्लैक ड्रेस ही एक मॉडिफायर का फंक्शन यहाँ पे लास्ट में करेगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी बनेगा। ठीक है बच्चों, तो डी वुड बी द आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 41 को, अनफेमिलियर रूट्स ऑफ द सिटी ट्रांसपोर्ट बसेस। अनफेमिलियर रूट्स ऑफ द सिटी ट्रांसपोर्ट बसेस कहता है आइडेंटिफाइड द हेडवर्ड। अब आप खुद बताओ इसमें हेडवर्ड क्या बनेगा, अनफेमिलियर रूट्स, सिटी या फिर ट्रांसपोर्ट। हेडवर्ड मैंने बताया आपको वही बिल्कुल बनेगा कि जिसमें ब्लर स्क्रीन आप कह रहे हैं। ओके कीर्ति 41 का सी कह रहे हैं आप, सिटी। ठीक है और बताओ बच्चों, जी राखी मैंने बताया ऐसा वर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट हो सेंटेंस में, ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट हो वो ही हेडवर्ड कहलाता है, जिसके बिना सेंटेंस का मीनिंग ही क्लियर हमें ना हो। अगर मैं इसको कहूं बच्चों अनफेमिलियर रूट्स ऑफ द सिटी ट्रांसपोर्ट बसेस, तो देखो इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसे हटाने के बाद हमें सेंटेंस का मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा। लाइक मैं कहूं आपको, हाँ मैं रूट्स यहां से हटा दूं, अनफेमिलियर डैश 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 ऑफ द सिटी ट्रांसपोर्ट बसेस, तो ये रूट्स वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, बी, क्योंकि इसके बिना कुछ भी क्लियर नहीं होगा। रूट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। तो आंसर यहां पे हमारा बी बनेगा। अगले क्वेश्चन को देखो, द सेकंड ट्रेन डिजास्टर टू अकर दिस फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मींस होता है 15 डेज के लिए। तो अगर हम कहें कि सेकंड ट्रेन डिजास्टर टू अकर, अकर का मींस है बस होने वाला है। आइडेंटिफाई द हेडवर्ड, इसमें बताओ आप लोग, ये तो आसानी से निकाल सकते हो। द सेकंड ट्रेन डिजास्टर टू अकर, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल डिजास्टर बनेगा, है ना। द सेकंड ट्रेन टू अकर दिस फोर्टनाइट बनेगा ही नहीं, द सेकंड ट्रेन डिजास्टर बनेगा। तो ये आंसर हमारा बी बनेगा, क्योंकि मेन जो है ये डिजास्टर ही वहां पे इसको फोकस कर रहा है। तो बी डिजास्टर इज द आंसर। चलो देखो आप निकालना सीख गए, यही हेडवर्ड होता है। अब देखो इस सेंटेंस में देखो, माई ओपिनियन इज दैट ही विल राइज टू द ओकेजन। माई ओपिनियन इज दैट ही विल राइज टू द ओकेजन। बताओ इसमें अंडरलाइन पोर्शन दिया ही नहीं इसमें। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंड, इसको छोड़ देते हैं। इसको देखते हैं बड़े ध्यान से, दैट बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट इज नॉट ट्रू, इसमें कहता है अंडरलाइन पोर्शन क्या है, ये आपको बताना है बच्चों। सब बच्चे बताएं क्वेश्चन नंबर 44 में हमारा आंसर क्या बनेगा। वो कह रहा है कि अंडरलाइन पोर्शन यहाँ पे नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडजेक्टिव फ्रेज है, ये भी आपको देखना है। 44 का ए आप लोग कह रहे हैं, ओके ठीक है। और बताओ बच्चों, एडजेक्टिव फ्रेज भी कह रहे हैं कुछ बच्चे, राइट बच्चों। अब आप ये देखो, इस सेंटेंस को देखो जरा, दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, है ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स दैट इज नॉट ट्रू। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं है दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो ये बच्चों हमारी एडजेक्टिवल फ्रेज बनेगी सिर्फ, ठीक है जी। ये यहाँ पे फ्रेज का वर्क कर रही है, ना कि क्लॉज का वर्क कर रही है। हाँ क्लॉज, एक मिनट रुको, दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, अरे ये तो बच्चों क्लॉज बन गई ना हमारी पूरी। इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस का मीन्स है दैट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन क्या ट्रू नहीं है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, दो पार्ट बन रहे हैं यहाँ पे। ये बच्चों एडजेक्टिव क्लॉज ही बनेगा, एडजेक्टिव क्लॉज ये वाला आपका। एक मिनट, नहीं बेटा जीरन नाउन नहीं, ये जो यहाँ पे V1 प्लस ING है ये बेसिकली काम कर रहा है एडजेक्टिव का। बार्किंग डॉग्स ये एडजेक्टिव है, बार्किंग यहाँ पे जीरन नहीं है। एडजेक्टिव का मीन्स ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये नाउन क्लॉज है। हाँ बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, इट मस्ट बी द नाउन क्लॉज दैट बार्किंग डॉग सेल्डम। एडजेक्टिव का इसमें मीन्स नहीं बनेगा, वोट का आंसर देगा। क्वेश्चन बना वोट इज नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है, तो ट्रू ये नहीं है दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ये बच्चों नाउन क्लॉज का काम करेगा, इसका काम करेगा ये वाला बनेगा। तो आंसर इसका ए जाएगा, आंसर इसका क्या जाएगा, एडजेक्टिव विच का रिप्लाई होगा। हाँ एडजेक्टिव विच का होगा बिल्कुल। तो ये हु का आंसर यहाँ पे दे रहा है, वोट का आंसर दे रहा है। अगले क्वेश्चन को देखिए, मीरा पेंटेड द वॉल ग्रीन इन 3 आवर्स। इसका आपको पैटर्न देखना है। तो मीरा सब्जेक्ट बन गया, पेंटेड हमारी वर्ब बन गई, द वॉल ऑब्जेक्ट हो गया, ग्रीन इन 3 कलर्स ये सारा का सारा कैसा है, हाउ का आंसर देगा, ग्रीन इन 3 आवर्स, है ना। तो ये एडवर्ब बनेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कहाँ पे है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें तो कोई है ही नहीं। बी कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस SCVA दे रखा है इसमें, इसमें बनेगा SOVA, ये बनेगा बच्चों। ये सेकंड वाला बनेगा जब इसे हम O बना देंगे, SOVA, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। 45 नो ऑप्शन, बिल्कुल ये कहेंगे कि इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको ऑप्शन को बना के SOVA करके तब हम इसको करेक्ट करेंगे। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन की आपको जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू पीपल। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ जरूर। 54 में कहता है कि द कंपैरेटिव डिग्री फॉर द वर्ड लिटिल इज, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री हमारी क्या बनेगी, मोस्ट लिटिल, क्वाइट लिटिल, स्मॉलर या फिर स्मॉलेस्ट। हाँ जी बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री क्या होनी चाहिए लिटिल की। क्वाइट लिटिल, एग्जैक्टली बच्चों ये बी बनेगा हमारा, दैट वुड बी बी, ये हमारा बी बनेगा। अब देखो स्मॉलर स्मॉलेस्ट तो स्मॉल के हो गए, मोस्ट लिटिल सुपरलेटिव है, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे। जब ये क्वेश्चन हमारे पास होगा तो ऑब्वियसली आंसर हमारा बी बनेगा, क्योंकि क्वाइट यहाँ पे कैसा वर्क करेगा भाई, आप एडवर्ब लगा के ही तो उसकी डिग्री बदलते हैं, तो क्वाइट भी यहाँ पे लिटिल को मॉडिफाई करने का काम करेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा मॉडिफायर, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्क, ही सेट डाउन टू रेस्ट। अब आपको इसको एक सिंगल सेंटेंस में जोड़ना है, यानी अगर मैं कहूं तो दिस वुड बी द एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसमें डन बच्चों डन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने कहा। ये आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे, ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्क ही सेट डाउन टू रेस्ट। सो टायर्ड ऑफ वर्क ही सेट डाउन टू रेस्ट, ही रेस्टेड फॉर वर्क टायर्ड हिम, बींग टायर्ड ही रेस्टेड टू वर्क, आफ्टर टायरिंग वर्क। ए बच्चों आंसर बनना चाहिए इसका। सब बच्चे बताएं आंसर इसका क्या बनेगा, लेट मी नो द आंसर। सब बच्चे मुझे आंसर बताएं, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही बच्चों, ये आंसर हमारा ए बनेगा, क्योंकि सीधी सी बात है इसमें बना टायर्ड ऑफ वर्क। टायर्ड ऑफ वर्क फिर से क्या एक फ्रेज बन जाएगी, और फिर बन गया ही सेट डाउन टू रेस्ट। बाकी चीजों की त्यों हैं, तो हमने बस उस क्लॉज का यहां पे फ्रेज बना के लगा दिया। नहीं, सी में अगर आप देखेंगे तो गड़बड़ हो रही है। बीइंग टायर्ड ही रेस्टेड टू वर्क, ये कोई बात नहीं है। तो टायर्ड ऑफ वर्क ही सेट डाउन टू रेस्ट। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखेंगे 56। ही इज वेरी फैट ही कैन नॉट रन, कहता है पिक द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ज्वाइनिंग द सेंटेंस। सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको एप्रोप्रिएट आंसर यहां पे लेना है। तो ही इज वेरी फैट ही कैन नॉट रन, क्या बनाएंगे? रन इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिज फैट, नहीं। ही इज टू फैट टू रन, ये बच्चों ही है, बी वाले में ही इज टू फैट टू रन, या हिज फैट प्रिवेंट्स हिम, या फिर टू रन इज क्वाइट इम्पॉसिबल बिकॉज ही इज फैट। अच्छा, ब्लर सा हो रहा है आप ये कह रहे हैं, मुझे लगता है ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है बच्चों, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क। करेक्ट एवरीवन। 56 का 100% बी बनेगा, नेगेटिव सेंस में लेके जाएगा। ये किस में लेके जाएगा बच्चों? इसको नेगेटिव सेंस में। ठीक है जी, तो आंसर हमारा बी है। इसका मतलब है TOO के साथ में हमारा 2 आता है, ये वाला 2। ही इज टू फैट टू रन, यानी कि वो इतना मोटा है कि भाग नहीं सकता, ये इसका मीन्स बन जाएगा। कर सकते हैं सब बच्चे? बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे। आंसर हमारा बी बनेगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई डोंट नो हर एड्रेस, कहता है पिक द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। अब इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है। तो पहला देखो, आई डोंट नो व्हाट हर एड्रेस इज, बन सकता है भाई। आई डोंट नो वेयर शी लिव्ड, ये कोई बात नहीं बन रही। हर एड्रेस इज नॉट नोन टू मी, इसमें तो सब्जेक्ट ही एक है। आई डोंट नो द एड्रेस ऊपर, तो बताओ बच्चों क्या आंसर बनेगा? अच्छा, बैक जाके आएंगे तो क्लास रन हो रही है। चलो ठीक है बच्चों, तो सब बच्चे मुझे बताइए इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एग्जैक्टली बच्चों, इट मस्ट बी ए, ये हमारा आंसर ए बनेगा। आई डोंट नो व्हाट हर एड्रेस इज। अब देखो, अब ये बताओ मुझे इसमें क्लॉज कौन सी है? ये जो क्लॉज है व्हाट हर एड्रेस इज, ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर बच्चों एडवर्ब क्लॉज है, ये भी आपको बताना है। ये जो बाद वाला पार्ट यहाँ पे बना है व्हाट हर एड्रेस इज, ये कौन सी क्लॉज बनेगी? नाउन क्लॉज। रीना बहुत अच्छी है, वेरी गुड बच्चों, करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। हाँ जी बच्चों, नाउन क्लॉज है। अच्छा, ये नेटवर्क इशू है, बस हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी इसको ओवर करेंगे। जरा इसको देखो, द पेशेंट डाइड ड्यू टू डॉक्टर्स केयरलेसनेस। द पेशेंट डाइड ड्यू टू, इसमें बनाना है मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, आपको इसको कंपाउंड बनाना है। ये बेसिकली कैसे बना? द पेशेंट डाइड ड्यू टू द डॉक्टर्स केयरलेसनेस, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। द डॉक्टर वॉज केयरलेस देयरफॉर द पेशेंट लॉस्ट हिज लाइफ। केयरलेस डॉक्टर किल्ड द, carelessness of the doctor killed the patient was dead due। आंसर बताओ बच्चों क्या बनेगा? हमारा आंसर इसमें क्या होना चाहिए? ए होगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का जा रहा है, इट वुड बी ए। तो ये आंसर हमारा ए बनेगा। बहुत अच्छे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इसमें देखेंगे, और ये क्वेश्चन है हमारा, ही परचेज द फैक्ट्री दैट बिलोंग्ड टू हिज फ्रेंड, मतलब उसने वो फैक्ट्री खरीदी जो उसके दोस्त को बिलोंग करती थी। कहता है करेक्ट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म इनटू सिंपल सेंटेंस, द फैक्ट्री ही परचेज वॉज हिज फ्रेंड्स, ही परचेज हिज फ्रेंड्स फैक्ट्री, द फैक्ट्री वॉज हिज फ्रेंड्स विच ही परचेज, या फिर ही परचेज अ फैक्ट्री। देखो सी और डी में तो कोई मीन्स ही नहीं बन रहा है, ए और बी को देखो, ही परचेज हिज फ्रेंड्स फैक्ट्री या द फैक्ट्री ही परचेज वॉज हिज फ्रेंड्स। ए और बी में से कौन सा? 59 का बी। बिल्कुल बच्चों, बी इसलिए होना चाहिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये फिर जो लिखा ना हिज फ्रेंड्स फैक्ट्री, ये भी बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा, वहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी बनेगा 100%। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, सिंपल में बदल गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा। इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट यू विल नॉट बी अलाउड एंट्री, कहता है कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट यू विल नॉट बी अलाउड एंट्री। तो देखो, इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट द एंट्री विल नॉट बी अलाउड टू यू, यू मस्ट नॉट बी लेट, और यू विल नॉट बी अलाउड एंट्री, गुड, भी बन सकता है। यू मस्ट नॉट बी लेट अनलेस यू वॉन्ट टू बी, नहीं, यू मस्ट नॉट बी लेट वेदर यू वॉन्ट टू बी अलाउड। बताओ बच्चों क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हमारा, वो कंपाउंड कह रहा है, आपको ध्यान रखना है। ओके, अर्चना 60 का ए। बच्चों ए तो देखो कंपाउंड है ही नहीं। जब मैं कहता हूं ना इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट द एंट्री विल नॉट बी अलाउड टू यू, इसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो ही कहां, ये तो फ्रेज का वर्क कर रही है। अगर आप इसका ए आंसर देखेंगे तो देखो, जब मैं कहता हूं इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट, इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट द एंट्री विल नॉट बी अलाउड टू यू, इसमें तो सब्जेक्ट ही एक है। बी पे आते हैं, यू मस्ट नॉट बी लेट और यू विल नॉट बी अलाउड एंट्री, बी ही तो बन रहा है ना बच्चों। आपको पता है कंपाउंड सेंटेंस में हमारा क्या आता है, हमारा आता है फैन बॉयज, तो उसमें से ओ है यहाँ पे, और बन गया। और अगर आता है तो सिंपल सी बात है, हमारा सेंटेंस कंपाउंड रहता है। तो आंसर बच्चों इसमें बी बनेगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि You must not be not be late or you will not be allowed entry. Okay, एक मिनट रुको, you must not be late unless you want entry. Fanboys, बिल्कुल ठीक है बच्चों। चलो कोई बात नहीं है। तो बच्चों आज इतने क्वेश्चंस रखते हैं हम, रियली सॉरी कि आज इसका जो पेन टैब होता है, मतलब उसका पेन इधर उधर हो गया और हमें बड़ी मुश्किल से इसके आंसर्स लगाने पड़े हैं, लिख भी नहीं पाए हैं, बट कोई बात नहीं है, कंटिन्यूटी में हमारी क्लास हुई है, ये सबसे बढ़िया बात है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी कोशिश है कि कल हम आपके लिए जो मैराथन थी उस मैराथन को भी तैयार करके रखेंगे, तो कोशिश करेंगे मैराथन, जिन बच्चों का पेपर हुआ है वो पेपर मुझे पहुंचा दे, इफ़ इट इज़ यू नो पॉसिबल फॉर यू, तो वो पेपर मुझे पहुंचा दें, और क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे, एनवीएस वाले को ये बेहतर। और केवीएस की वैकेंसीज़ मैं बता दूँ सब बच्चों को, लगभग 14,000 वैकेंसीज, 12,000 वैकेंसीज सॉरी, लगभग आपकी तैयार हैं, बस आने वाली हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, तो केवीएस वाले के लिए तैयार रहें सब बच्चे, बहुत जल्दी वैकेंसीज आने वाली हैं, अभी दिसंबर में शुरू हो जाएगी उनकी एंट्री, और वो दिसंबर के अंदर में भर जाएंगी। 2018 के बाद अब यानी कि 4 साल बाद आ रही है, तो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट, बढ़िया तरह से रेडी हो जाएं सब बच्चे। हाँ 5 से हैं फॉर्म फिलअप। बहुत अच्छे बच्चों, तो अब एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मतलब हम जो वर्क पीछे से कर रहे हैं इसमें केवीएस जुड़ गया आपका और यूपी वाला, ये दो एग्जाम आपके सामने है पूरी तरह। मतलब सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपका यूपी वाला है फेब में, और हो सकता है फेब मार्च अप्रैल तक आपका ये भी हो जाए केवीएस भी। तो दोनों एग्जाम के लिए सब बच्चे तैयार रहे हैं बढ़िया से। गेटिंग बच्चों, चलो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय बच्चों।